हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज मैं एक गौतम बुद्ध से जुड़ी एक प्रसिद्ध कहानी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों देखो, जैसा कि आप जानते हैं कि गौतम बुद्ध जो है ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रवास करते थे, कई गांव में वो जाते थे, उपदेश देते थे। तो एक बार वो एक गांव में ठहरे थे और वहीं पर एक औरत थी जिसका छोटा बच्चा खत्म हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। तो वो औरत जो है उस मरे हुए बच्चे को गोद में लेकर इधर उधर घूमने लगी और कहने लगी कि कैसे मेरा पुत्र जो है जिंदा होगा, कोई बताओ ये मेरा पुत्र जीवित हो जाए, मैं क्या करूं। तो ऐसे ही जो है यहां वहां भटक रही थी तो एक आदमी ने बताया कि आप जो है गौतम बुद्ध के पास चले जाओ, ठीक है। तो वो औरत गौतम बुद्ध के पास जाती है और कहती है कि आप मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए। तो गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा, बस तुम्हें एक मुट्ठी सरसों लाना होगा, ठीक है। सरसों के बीज होते हैं दाने, उसको लाना होगा। तो महिला जो है बहुत ही खुश हुई, तो वो जो है फट से दौड़ी उस सरसों को बीज को लाने के लिए। और तभी उसी जाते समय तब गौतम बुद्ध ने उसी को रोका और कहा, देखो सरसों की बीज जो है एक मुट्ठी जहां लाओगी वो उसी घर से लाना जहां पर किसी की मृत्यु नहीं हुई हो, ठीक है। तो अब वो औरत जो थी वो भाग भाग के गई, गांव में गई और कही कि भाई एक मुट्ठी दे दीजिए। और लेकिन ये है कि कहती कि भाई आपके घर में कोई खत्म तो नहीं हुआ है, मृत्यु तो नहीं हुई। तो जहां भी जाती लोग कहती तो किसी के यहाँ कोई न कोई की मृत्यु हुई ही है, किसी के चाचा, किसी के दादा, किसी के नाना, तो किसी न किसी की मृत्यु हुई है। इस प्रकार वो हताश हो गई क्योंकि वो जान गई कि मृत्यु जो है अटल है, होनी ही है और सब यहां मृत्यु हुई है। तो इस प्रकार जो है गौतम बुद्ध ने उसको समझाया, उसको उपदेश उसको मिल गया कि मृत्यु होनी है। जैसे जन्म होता है वैसे मृत्यु भी अनिवार्य है और होनी ही है। जैसे जन्म सत्य है वैसे मृत्यु भी अटल है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह अगर आपको और बुद्ध गौतम बुद्ध से संबंधित आपको कहानियां जाननी है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और गौतम बुद्ध से संबंधित उनकी लाइफ स्टोरी, पूरा उनका बौद्ध धर्म से संबंधित मैंने बहुत सारी वीडियो बनाए हैं, आप जो है अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।